Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to class 8th subject SS question answer day 11. Guys, देखिए lesson number 3rd चल रहा है आपका. Class 8th है ruling the countryside. Lesson का नाम है ruling the countryside. देहात में, गांव में शासन. क्वेश्चन नंबर 3rd, गिव टू प्रॉब्लम्स, दो समस्याओं के बारे में बताइए विच अरोज विथ द न्यू मुनरो सिस्टम, जो नए मुनरो सिस्टम के साथ पैदा हुई थी ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू फिक्स करने पर. गिव टू प्रॉब्लम्स, दो समस्याएं बताइए विच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू. आंसर दे वर एज फॉलोस, वे निम्न है. नंबर 1, टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, लैंड से इनकम को बढ़ाना. टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, लैंड से, जमीन से इनकम को बढ़ाना. रेवेन्यू ऑफिशियल्स, रेवेन्यू के अधिकारी, फिक्स्ड टू हाई ए रेवेन्यू डिमांड, उन्होंने बहुत ज्यादा रेवेन्यू डिमांड की मांग कर दी. राइट्स वर अनेबल टू पे दैट, लेकिन किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे. एंड दे फ्लेड टुवर्ड्स द सिटीज, और वो शहरों की तरफ भाग के चले गए. विलेजेस बिकेम डेजर्टेड, गांव खाली हो गए. डेजर्टेड रिक्त हो जाना, निर्जन हो जाना, खाली हो जाना. विलेजेस बिकेम डेजर्टेड, गांव खाली हो गए इन मैनी रीजन्स, कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में. द कंपनी ऑफिशियल्स हैड इमेजिन्ड, कंपनी ऑफिशियल्स ने कल्पना की थी दैट द न्यू सिस्टम, कि यह नया सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट्स, किसानों को तब्दील कर देगा इनटू रिच एंटरप्राइजिंग, धनवान किसानों में, फार्मर्स के रूप में. बट दिस डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसलिए गिफ्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मिनरल सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू, दो समस्या बताइए. तो जैसे ही अपन ने ये इनकम को इंक्रीज किया गया, रेवेन्यू बढ़ाया गया, तो किसान उसको देने में असमर्थ हो गए और वो शहरों की तरफ भागने लग गए और गांव खाली हो गए, पहली समस्या. दूसरा, कंपनी के अधिकारियों ने सोचा, कल्पना की कि इससे गांव के लोग धनवान हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ. दिस डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ. तो ये दो समस्याएं थी. आइए क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर रॉइट्स, रॉइट्स का मतलब ध्यान रखिए यहां पर आर वाई ओ टी एस बोला गया है किसानों को. किसको बोला गया है? किसानों को. रिलेंटेंट, रिलेंटेंट यानी अनिच्छा जताना. रिलेंटेंट का मतलब अनिच्छा, काम करने की इच्छा नहीं होना. वाई वर रॉयट्स रिलेंटेंट टू ग्रो इंडिगो, किसान इंडिगो उगाने में इच्छा क्यों नहीं रखते थे, अइच्छुक क्यों थे, अनिच्छुक क्यों थे. रॉयट्स वर रिलेंटेंट टू ग्रो इंडिगो ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, जो आपके रॉइट्स हैं, किसान हैं, वे रिलेंटेंट थे, अनुच्छुक थे टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो उगाने में. ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, इसके निम्न कारण हैं. नंबर 1, रॉइट्स वर गिवन लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट्स, जो किसानों को दिए गए थे कम ब्याज पर, इंटरेस्ट ब्याज दिया गया था, पैसा दिया गया था. बट दैट लोन मेड द रॉइट्स बाउंड टू कल्टिवेट एट लीस्ट 25% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो. वट, लेकिन
दैट लॉन मेट द रॉइट्स, लेकिन उसने उन किसानों को बांध दिया था कल्टीवेट करने के लिए, कृषि करने के लिए 20% भाग पर ऑफ दियर होल्डिंग्स का विथ इंडिगो के साथ। When crops were harvested, जब फसलों को हार्वेस्ट किया गया, फसल उगाई गई, रॉइट्स वर कंपेल्ड, तो जो रॉइट्स थे उन्हें बाध्य कर दिया गया टू सेल देम, कि वे उन्हें बेचे एट लोअर प्राइसेज, बहुत कम कीमतों पर। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ हार्वेस्ट क्रॉप टू द प्लांटर, After the delivery of harvest crop, to the planter, new loan, नया loan was given, दिया गया to the roids, किसानों को दिया गया। This way, इस प्रकार they were trapped in a cycle of loan, वे एक लोन के चक्रव्यूह में फंस गए। इंडिगो हैड डीप रूट्स, इंडिगो की लंबी लंबी जड़ें होती हैं, एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली, और ये मिट्टी में समा जाती हैं। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट, जब एक इंडिगो की फसल हो जाती है, द लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस, तो उसमें चावल नहीं उगाया जा सकता। तो ये चार कारण थे जिसकी वजह से किसान इंडिगो की फसल नहीं करना चाहते थे। पहली क्या था कि उन्हें रॉइट्स वर गिवन लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट्स, बट दैट लोन मेड द रॉइट्स बाउंड टू कल्टीवेट एट लीस्ट 25% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। पहला कारण ये था कि उन्हें किसानों को ब्याज दिया गया, लोन दिया गया, वो इस शर्त पे दिया गया कि आपकी 100 बीघा जमीन है तो 25% पे, यानी 25 बीघा जमीन पर, अच्छी 25% पर आपको इंडिगो करना ही पड़ेगा। दूसरा, व्हेन क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड रॉइट्स वर कंपेल्ड टू सेल देम एट लोअर प्राइसेस, जब फसल तैयार हो जाती थी तो किसानों को बाध्य किया जाता था उसे कम कीमत पर बेचने पर, इस वजह से वो अनुच्छुक थे। यार हमने फसल करी है, हम अच्छे दामों पे जाएंगे, जो हमें अच्छा दाम देगा वो उसको बेचेगा, लेकिन उन्हें बाध्य किया जाता था। व्हेन क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, जब फसल तैयार हो जाती थी, रॉइट्स वर कंपेल्ड, उन्हें बाध्य किया जाता था टू सेल देम एट लोअर प्राइसेस, उन्हें कम कीमत पर बेचने के लिए। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ हार्वेस्ट क्रॉप, उस हार्वेस्ट क्रॉप की डिलीवरी के बाद में, टू द प्लांटर न्यू लोन वाज गिवन टू द रॉइट्स, नया लोन दिया जाता रॉइट्स को। दिस वे, इस प्रकार दे वर ट्रैप्ड, वे फंस गए इन ए साइकिल ऑफ लोन, लोन के चक्रव्यूह में वो फंस गए। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिगो हैड डीप रूट्स, इंडिगो की बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं, एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली, और ये मिट्टी में बहुत तेजी से समाती हैं। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट, एक इंडिगो की फसल के बाद में, द लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस, तो उसमें चावल नहीं उगाया जा सकता। अंडरस्टैंड गाइस, एनी प्रॉब्स गाइस, देखिए ओके, अब आपको इसको फेयर में करना है। और ध्यान रखिएगा, जिन स्टूडेंट ने अभी तक फर्स्ट यूनिट टेस्ट नहीं दिया है, वो स्कूल में आकर के अपनी नोटबुक कलेक्ट कर लें और अपना फर्स्ट यूनिट टेस्ट कंप्लीट कर लें गाइस। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।